बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के साथ मैं हूं वसीम। आपके लिए लाए हैं एक और वीडियो, मुफीद वीडियो, कि सऊदी अरब के अंदर से आप जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। आप सब जानते हैं कि सऊदी इकामा होल्डर्स को जापान ने अपना जो वीज़ा है वो ई वीज़ा कर दिए हैं। आप लोग बिना कहीं जाए हुए आप ई वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, जापान का आप विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे। हमसे काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ई मेल मौसूल हुई थी कि हमें जापान के वीज़ा के बारे में आप बताइए किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है। इसके बारे में हमने तकरीबन साल पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन हमने सोचा दोबारा से जो चेंजेस हुई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर आपको एक मुकम्मल जामे जो तफसील के साथ वीडियो दी जाए। तो बिना तखीर के इसको शुरू कर लेते हैं। इस वक्त आप मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि evisa.mufa.go.jp है, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। अब शुरू करते हैं कि ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन जापान की कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो बता दें कि आपके जो है कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट होगी। अभी इसके जून 2024 से इन्होंने तब्दील कर दिया है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अलावा अक्टूबर 12 को जो है यहाँ पर इनका जो सिस्टम है 3 बजे से रात जो है वो 7 बजे तक जो है वो मेंटेनेंस पे होगा। तो वहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो वो ज़रा इस टाइम को देख लीजिएगा जापान के स्टैंडर्ड टाइम के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, किस तरह से अप्लाई करना है। तो हम इसको स्टेप बाय वन यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है वेरीफिकेशन ऑफ नेसेसरी वीज़ा टू विजिट जापान, ठीक है। आपको जो है करना है कि आप किस टाइप का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने जो है 90 डेज का टूरिज्म का वीज़ा अप्लाई करना है। स्टेप टू में एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एंट्री है, यानी कि आपने अपना डाटा इंटर करना है। और तीसरे में आपको जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपने जो है आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ये वीज़ा की फ़ीस है, आप वीज़ा फ़ीस पे कर दें। जैसे ही आप वीज़ा फ़ीस पे करेंगे स्टेप के बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ई वीज़ा जो है वो आपके ईमेल पर आपको मौसूल हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से अप्लाई करना है। और इसके लिए सबसे पहले तो आपकी फेस फ़ोटो होगी, आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपका पासपोर्ट उसके लिए वैलिड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम इसकी डिटेल देख लेते हैं चेक वीज़ा की। अब दिखाएंगे यहाँ पर हमारी, यहाँ पर आप इंडिया पाकिस्तान जिस कंट्री से हैं वो सिलेक्ट करें इसको। तो उसके बाद कंट्री ऑफ स्टे आपने यहाँ पर सऊदी अरब करना है, और प्रोविंस आप जिस प्रोविंस में हैं मक्का रियाद जो भी ईस्टर्न प्रोविंस है वो कर देना है। आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल टूरिज़म, और यहाँ पर भी टूरिज़्म, ठीक है, आपने डिस्प्ले कर देना है। अब आपके सामने ये दिखा देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये देखिए, एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स मे वेरी डिपेंडिंग ऑन एम्बेसी कॉन्सलेट, बी श्योर टू चेक द वेबसाइट ऑफ एम्बेसी कॉन्सलेट वेयर यू आर अप्लाइंग, ठीक है। ये इनकी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, ये जो रिक्वायर्ड है उनकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है उस पर भी जो मुकम्मल तफसील है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो भी देखते हैं। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। पासपोर्ट चाहिए आपका जो कि वैलिड होना चाहिए 6 माह का, और पिक्चर चाहिए जो कि 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। आपके पास जो फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन है, आपकी एयर टिकट है, वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी जो सैलरी सर्टिफिकेट या आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखानी है कि आप इतनी जो इस ड्यूरेशन में किस तरह से अपना जो है वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। आपने शेड्यूल देना है वहाँ पर रहने का कि आप कितने दिन रहेंगे, किस किस डेट को रहेंगे, कहाँ कहाँ चाहेंगे, वो शेड्यूल आपने देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू प्रूव आपका इकामा होना चाहिए, और आपका जो लाइसेंस है, अगर लाइसेंस है आपने, यानी कि जो यहाँ का प्रूफ देना है कि आप यहाँ के लीगल रेजिडेंट है। उसके बाद आपका जो है खुरूज उदा का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पेज पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें लेकर आ जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन पेज पर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर रजिस्टर एंड ई मेल एड्रेस कर लेना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो है ई मेल एड्रेस जो है यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो लिख देना है। हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज में हम यहाँ पर इंग्लिश कर देंगे, नेशनलिटी में आप यहाँ पर जो आपकी नेशनलिटी है वो कर दीजिएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन सऊदी अरबिया कर दीजिएगा, योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आप देखिए यहाँ पर आप मक्का रीजन, जद्दा रीजन, जो भी आपका जो रियाद रीजन है वो कर देंगे, और आप यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देंगे। ये आपका स्टेप वन हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कंफर्म, और यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जो है रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक आपको ईमेल जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पर आपको भेज दी जाएगी, जो कि आपके रजिस्टर ईमेल पर होगी, और आपने उस पर क्लिक करना है और लिंक को आपने ओपन कर लेना है।
हम यहाँ से ईमेल देखते हैं, ईमेल यहाँ पर ओपन हो रही है और ईमेल के देखिए यहाँ पर ईमेल आ चुकी है और इसमें जो है हम इस ईमेल को ओपन करते हैं। ये लिंक यहाँ पर दिया गया है और हम इस जो लिंक दिया गया है उसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अब ये जो है हमारा जो ईमेल है वो वहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, बैक टू टॉप पेज कर लेते हैं और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको दोबारा से जो है उसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी लिखेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। द ईमेल एड्रेस इज बीइंग यूज, प्लीज़ लॉग इन विद द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी जो है इस ईमेल के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो इसको दोबारा से चेक करें। मैं इसका जो पासवर्ड है वो इसका भूल चुका हूँ, मैं इसको पासवर्ड को जो है यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। अब यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पर जो है मैं ऑलरेडी जब वीडियो बनाई है तो आई थिंक मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन इसको मैं नो प्रॉब्लम इसको दोबारा से यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ। जिसको रीसेट हमने कर दिया है, अब देखते हैं कि हमें ईमेल जो है वो मौसूद हो जाएगी अभी। और ये देखिए ईमेल आ चुकी है इसकी पासवर्ड रीसेट करने की, हमने इसके जो रीसेट का जो है ऑप्शन उसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो हम इसमें यहाँ पे अपना नया पासवर्ड जो है वो दे सकते हैं, तो हम इसको यहाँ नया पासवर्ड एंटर कर देते हैं और रजिस्टर पर हम क्लिक कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो है हम इसको दोबारा से करेंगे, अब इसको लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से दोबारा से इसके लॉगिन पेज पर जाएंगे। ये इसका लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पर जाएंगे, यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे और यहाँ पर जो भी पासवर्ड हमने रीसेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखिए आपको वन टाइम पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, वो आपने वन टाइम पासवर्ड जो है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये देखिए वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ से जो है वन टाइम पासवर्ड आपने कॉपी कर लेना है अपने ईमेल से। हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, अभी तक हमें वन टाइम पासवर्ड जो है वो मौसूल नहीं हुआ है। वन टाइम पासवर्ड अभी भी इसमें रिसीव नहीं हुआ हमें, और ये 15 मिनट तक जो है वो वैलिड होता है वन टाइम पासवर्ड, लेकिन अभी तक जो है वो हमें मौसूल नहीं हुआ है। और ये वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर लिखने के बाद हमने इसको ऑथेंटिक करना है, लेकिन अभी तक हमें पासवर्ड ही मौसूल नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करते हैं। लाइव काम करने का ये नुकसान होता है कि आपको जो है समटाइम्स जो है अगर नेटवर्क या किसी भी रीज़न से कोई कोड वगैरह नहीं आता है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। अब देखिए हमें काफ़ी देर बाद जाके ये कोड मौसूल हुआ है, अब इसको कोड को यहाँ पर हम लिख देंगे और लिखने के बाद ऑथेंटिकेशन पे इसको क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि स्टेप वन लॉगिन और उसके बाद इंटर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन, इशू वीज़ा और डिस्प्ले आपका इशुएंस नोटिस। अब तमाम चीज़ें आपके अकाउंट में जब एक दफ़ा लॉगिन हो जाता है तो आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। आप न्यू रजिस्ट्रेशन आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, यस आपने आई एग्री कर देना है इसको यहाँ से और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये आपका स्टेप वन हो गया, ठीक है। अब स्टेप टू में आप नेक्स्ट पर आ गए। अब देखिए अब यहाँ पर बहुत इजी है, अब यहाँ पे आपने अपनी फेस फोटो जो है वो अपलोड कर देनी है, पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर देनी है, यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट पे नाम है वो आपने कंप्लीट नेम जो आपका मोहम्मद अली रजा जो भी आपका नेम जो होगा इसमें आपने एज इट इज़ फिल कर देना है, मिडल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ठीक है, पासपोर्ट नंबर, जेंडर मेल फीमेल, पासपोर्ट एक्सपायरी, नेशनल आईडी नंबर यानी कि कॉमन नंबर, ठीक है, पासपोर्ट टाइप, कहाँ इशू हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिस, फॉर्मर फैमिली नेम, फॉर्मर गिवन नेम, ये तमाम चीज़ें, मैरिज स्टेटस, ऑक्यूपेशन स्टेटस, ठीक है, पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ पे आपने टूरिज्म करना है, ठीक है,
यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट करना है आपने, डिटेल में भी आपने टूरिज्म सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ टाइम एंट्री जो है आपने यहाँ पर सिंगल रखना है। बहुत इजी है ये, सिंपल। देखिए यहाँ पे ये फिल करना है, ये डॉक्यूमेंट्स क्योंकि यहाँ पर नहीं है मेरे पास अभी, मैं इसको फिल नहीं कर रहा। उसके बाद ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, उसके बाद आपका एड्रेस है और वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने तमाम अटैच कर देने हैं और आपने सबमिट कर देना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल जो है वो मौसूल हो जाएगी। जैसे आपका वीज़ा, वो आपका तमाम डाटा चेक कर लेंगे, आपको ईमेल आएगी कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो गया है, आप इसकी फ़ीस पे करें। तो फिर आपने जो है अपनी उसी लिंक से जो है उनकी जो फ़ीस है जापनीज वीज़ा की, वो आपने पे कर देनी है। वो पे करेंगे तो वीज़ा आपको फौरी आपके ई वीज़ा, एक जैसे पेपर के जैसा होता है, वो आपको ई वीज़ा आपके उसमें मौसूल हो जाएगा पीडीएफ में। उसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और आप जापान ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल wasimranavlogs@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं और नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।